नमस्कार दोस्तों, यह हमारा वीडियो ट्यूटोरियल का दूसरा वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले सी लैंग्वेज का इन्वायरमेंटल सेटअप हम कैसे करें, मतलब जो हम सी के प्रोग्राम बनाने वाले, जो हम प्रोग्राम बिल्ड करने वाले, उसको टाइप कैसे करना है, रन कैसे करना है, उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, ये सारे बात आज हम देखने वाले। तो वो सॉफ्टवेयर मतलब वो टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, उसका यूज़ क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। मतलब दोस्तों देखो क्या होता है, हम पहले हमारा कोड कहाँ पे टाइप तो करना पड़ेगा, टाइप करने के बाद उसको कंपाइल करना पड़ता है। कंपाइलेशन प्रोसेस मतलब दोस्तों कि जो हमारा यूज़र रीडेबल कोड है उसको मशीन रीडेबल फॉर्मेट में कंपाइल करना पड़ता है, मतलब ट्रांसफर करना पड़ता है, इसको बोलते हैं कंपाइलेशन प्रोसेस, जो एक टेक्स्ट एडिटर करता है। ये तो रहा टेक्स्ट एडिटर के बारे में शॉर्ट सा, तो डिटेल में देखते हैं। दिस विल बी यूज टू टाइप योर प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम टाइप करने के लिए टेक्स्ट एडिटर होता है। एग्जांपल ऑफ फ्यू एडिटर्स मतलब जो एडिटर है उसके एग्जांपल रहते हैं, जैसे नोटपैड प्लस प्लस, डेव सी पी पी, सी प्लस प्लस, ऐसे कुछ एडिटर है जिसमें हम वो प्रोग्राम टाइप कर सकते, कंपाइल कर सकते और उसके बाद हमारा आउटपुट देख सकते। तो दोस्तों मैंने आपको कंपाइलर तो बता ही दिया, यहाँ पे कंपाइलर की डिटेल में इंफॉर्मेशन मैंने दी है, जो आपको किसी इंटरव्यू में पूछने जाने वाले क्वेश्चन का आंसर भी हो सकती है और आपकी कंपाइलर के बारे में जानकारी भी बढ़ाने के लिए भी बहुत उपयुक्त है। तो वो टेक्स्ट एडिटर आपको लेना कहाँ से, डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, वो सारी चीज़ें अब हम देखने वाले। अगर आपके पास यूनिक्स या लिनक्स सिस्टम है तो उसकी प्रोसेस मैंने यहाँ पे दी है। मैं तो विंडोज़ यूज़ करता हूँ, पर अगर किसी स्टूडेंट के पास होगी तो आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दिए इंस्टॉलेशन ऑफ यूनिक्स सिस्टम, उसका लिंक भी मैंने यहाँ पे नीचे दिया है कि आपको इस लिंक पे क्लिक करने के बाद वहाँ जाके उसको डाउनलोड कर लेना है और लिनक्स में इंस्टॉल कर लेना है। और अगर आपके पास मैक ओएस में तो वो थोड़ा आसान है, जैसे लिनक्स में थोड़ा इंस्टॉलेशन हार्ड होगा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे भी मैंने कहाँ से उसको डाउनलोड करना है या उसका भी मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया है। और जीन्यू कंपाइलर रहता है वो सी और सी प्लस प्लस के लिए, ये कंपाइलर आपको मतलब ये टेक्स्ट एडिटर आपको सी के लिए भी काम आएगा और जो हमारी आगे आने वाली सीरीज है सी प्लस प्लस की उसमें भी आपको काम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे विंडोज़ का कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूज़र आज विंडोज़ पे ही काम करते हैं, तो मैं विंडोज़ का यहाँ पे ब्रीफली आपको बताने देने वाला हूँ। यहाँ पे देखो मैंने विंडोज़ की लिंक दी है, इस लिंक पे क्लिक कर लो तो आप पहुँच जाओगे उस लिंक के पेज पे। यहाँ जाके सिंपली आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद उस सेटअप को आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लेने के बाद आपका सेटअप कुछ इस तरह दिखेगा ओपन करने के बाद, मतलब ये ओपन कर लिया। इस पे मैं आपको सारी चीज़ें अभी एक्सप्लेन करके देता हूँ। यहाँ पे फाइल है दोस्तों, यहाँ पे आपके न्यू फाइल करके सोर्स फाइल प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अगर आपको प्रीवियस फाइल ओपन करनी है यहाँ से ओपन कर सकते हैं। कुछ एडिट करना है यहाँ से एडिट ऑपरेशन कर सकते हैं। सर्च व्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे सब दे चुके आपको, आपने आपका प्रोग्राम लिख लिया है, राइट कर लिया है, उसको आपको रन करना है तो यहाँ पे रन कर सकते हैं। उसका शॉर्टकट की भी है F10, कंपाइल करना है F9 दबा के आप कंपाइल कर सकते हैं, या यहाँ पे ऊपर मेनू बार में आके एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करके कंपाइल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपको एक साथ में कंपाइल भी करना है और रन भी करना है तो आप F11 दबा के रन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ टूल्स दिए हैं, कुछ स्टाइल दिए विंडोज है, और अगर आपको हेल्प चाहिए तो यहाँ पे हेल्प पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूँ ये प्रोग्राम कैसे होगा। सोर्स फाइल में जाने का यहाँ पे दोस्तों आपको सीधा टाइप करना है, दोस्तों यहाँ पे आपको वो प्रोग्राम टाइप करना है। तो पहले हमें कुछ फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, हैश इंक्लूड, ये सब स्मॉल कैप्स लॉक नहीं चाहिए, स्मॉल में टाइप करना है आपको, हैश इंक्लूड stdio.h, stdio.h। दोस्तों ये एक हेडर फाइल है,
ये प्रीडेब अब हमारे कुछ इनपुट आउटपुट के प्रीडिफाइन क्लासेस इसमें होते, इसलिए आपको ये यहाँ पे लेनी। उसके बाद एक फंक्शन बनाया हमने इंटीजर मेन बना के, इस फंक्शन में हमने लिखा प्रिंट एफ स्टेटमेंट। प्रिंट एफ स्टेटमेंट क्या करता है, हमारा आउटपुट प्रिंट करने के लिए होता है दोस्तों। उसके बाद डबल कोट में यहाँ पे लिखा हमने हेलो वर्ल्ड, और हर लाइन को टर्मिनेट करने के लिए सेमी कॉलन लगाना जरूरी। और हमने ऊपर इंटीजर फंक्शन लिया है, इसलिए हमें नीचे रिटर्न जीरो लेना ही पड़ेगा। रिटर्न जीरो मतलब दोस्तों इंटीजर ऑलवेज रिटर्न वैल्यू, इंटीजर जो इंटीजर मेन फंक्शन है वो ऑलवेज रिटर्न वैल्यू करता है। तो चलो देखते हैं हमारा प्रोग्राम कंपाइल हुआ या नहीं। कंपाइल करने के लिए आप एग्जीक्यूट में आके यहाँ पे कंपाइल पे क्लिक कर सकते हैं। देखो हमारा प्रोग्राम आसानी से कंपाइल भी हो गए, एरर्स भी जीरो, वार्निंग्स भी जीरो। उसके बाद आपको इसको एग्जीक्यूट करना है, मतलब रन करना है, वही एग्जीक्यूट मेनू बार में जाके एग्जीक्यूट दबाने के बाद रन करने का। और रन पे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम यहाँ पे रन हो चुका है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि सी का प्रोग्राम रन कैसे करना है, एडिटर को इंस्टॉल कैसे करना है, उसका यूज कैसे करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिएगा जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में यहाँ में काम आने वाला है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।